इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना पर पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक जारी है। कोरोना पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं प्रधानमंत्री। कोविड को लेकर जिस तरह से पूरी दुनिया भर में मामले तेजी से बढ़े हैं, उसके बाद भारत भी अब अलर्ट पर है। BF7 के 3 केसेस अब तक मिल चुके हैं। BF7 कोविड का यही वेरियंट है जो कि चीन में तबाही मचा रहा है, और ऐसे में भारत भी अब अलर्ट पर है। हालात को लेकर के प्रधानमंत्री उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं कोविड को लेकर के। हालांकि भारत की तैयारी पूरी है, लेकिन आगे क्या रणनीति होनी चाहिए कोविड के खिलाफ लड़ाई के लिए, प्रधानमंत्री इसको लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी है कि भारत की तैयारी पूरी है। लोगों से अपील की है कि भीड़ में जाएं तो मास्क लगाकर जाएं, और साथ ही साथ लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की भी अपील की है। तो कोरोना का नया वेरिएंट जो कि चीन में तबाही मचा रहा है, अमेरिका में भी केसेस की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, और दुनिया के कई देशों में कोविड के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं, जिसको लेकर भारत में भी काफी अब हलचल है। प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं जिसमें BF7 पर चर्चा हो रही है, उससे पैदा हुए हालात को लेकर। मास्क में दिखाई दिए हैं सांसद। सांसदों के लिए मास्क जरूरी करने का फैसला लिया गया है, और आज सभी मास्क में नजर में भी आए हैं। हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविंद्र कुमार और रवि त्रिपाठी हैं। रविंद्र, अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इस बैठक में कौन कौन शामिल है और कितनी देर यह बैठक चल सकती है? देखिए, बैठक 3:30 बजे शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उड्डयन मंत्री, कई सचिव और संबंधित अधिकारी और विशेषज्ञ भी इस मामले पर हैं, जो पूरी तरह से डाटा लेकर आए हैं। प्रेजेंटेशन स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दिया जा रहा है कि पिछले एक सप्ताह में या पिछले 10 दिन में भारत में क्या स्थिति रही, चाइना में क्या स्थिति है, पूरे विश्व में क्या स्थिति है, और यह भी बताने की कोशिश की जा रही है इस प्रेजेंटेशन में कि हमारी अभी तक की तैयारी क्या है, कौन कौन से वेरियंट के लिए, जो BF7 वेरिएंट है या फिर ओमिक्रॉन का जो पहला वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट, इन सब के जो मौजूदा हमारी तैयारी है पहले की, वो किस स्टेज में है और आगे हमें और क्या क्या करना पड़ सकता है, उसके लिए क्या रोड मैप है। तो तैयारियों का वहाँ जायजा लिया जा रहा है, समीक्षा लिया जा रहा है, और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर सी बात है एक अपना डायरेक्शन देंगे कि आगे कैसे करना है, सरकार को जो नीति है, जो प्रोटोकॉल है कोविड का, कैसे पालन पूरे देश को करना चाहिए, और उसके बाद ही देर रात तक या कल सुबह तक होम मिनिस्ट्री का एक एडवाइजरी या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय का एक एडवाइजरी जारी हो सकता है। जी, रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, एक और प्रधानमंत्री की ओर से समीक्षा बैठक की जा रही है, साथ ही साथ इस मामले को लेकर सरकार जो तमाम कदम है वो उठा रही है, वहीं सियासत भी पूरे शबाब पर है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि उनकी यात्रा रोकने के लिए ही इस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी वही शख्स हैं जिन्होंने बार बार सरकार की ये कहकर आलोचना की थी कि उन्होंने तो बहुत पहले कहा था कि कोविड बहुत घातक रूप ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राजनीति में कहते हैं ना, जब मामला आपको जो सूट करता है उसके हिसाब से आप बयान देते हैं। यही राहुल गांधी, आपने ठीक कहा, राहुल गांधी ने और इसी पार्लियामेंट में बयान दिया था कि कोविड को लेकर स्थिति और खतरनाक हो सकती है, सरकार को जल्दी कदम उठाया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, और बार बार उन्होंने रिपीट किया था। और आज जब सरकार उनको एहतियातन कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा में आप कम से कम इन चीज़ों को फॉलो करें, ये माने, सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करें खासतौर पर, और जरूरत हो तो यात्रा को बंद कर दें, आज बीजेपी ने एक फैसला लिया है कि उसी राजस्थान में जो उनकी यात्रा चल रही थी राजस्थान की सरकार के खिलाफ, उस यात्रा को रोक लगा दी है, और इस वजह से कि लोगों का नुकसान ना हो। तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति हो रही है, और राहुल गांधी राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी यात्रा को रोकने के लिए ही बीजेपी ने यह कदम उठाया है, जबकि देश में और दुनिया में जो भयावह स्थिति है खासतौर पर उसको देखते हुए फैसला लिया जा रहा है। अभी हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय की चिट्ठी पर राहुल गांधी ने बड़ा हमला किस तरह से किया है और कहा है कि यात्रा रोकने की यह पूरी साजिश हो रही है, यात्रा रोकने के बहाने बनाए जा रहे हैं, देश तोड़ने की साजिश कामयाब नहीं होगी। राहुल गांधी ने यह पलटवार किया है केंद्र सरकार पर। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है, मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो, कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया, मतलब आप देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं, आप मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से
हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं, ये सच्चाई। रवि त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, राहुल गांधी यहां पर यह जिक्र नहीं करना भूल गए कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को कोरोना हुआ है और कोविड यात्रा में शामिल और लोगों को भी कोविड हुआ है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने बाकायदा उदाहरण देकर के और रीजन ये बताए थे कि आखिरकार ऐसी चिट्ठी उन्होंने क्यों लिखी। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ये भी हवाला दिया कि राजस्थान के 3 सांसदों ने जिनके इलाके से यात्रा निकली है उन्होंने बकायदे लिखकर शिकायत की कि उनके इलाके में जो लोग यात्रा में शामिल हुए हैं वो कोविड के शिकार हो रहे हैं इस वजह से। दूसरा, जो आपने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री वहीं जाने के बाद कोरोना पॉजिटिव हुए और वो पता भी तब चला जब उनका पीएम से मिलने का प्लान था, क्योंकि पीएम से मिलने के लिए कोविड टेस्ट जरूरी कराना होता है, उसकी वजह से उनका खुलासा हुआ। और राहुल गांधी राजनीति करके भले ही इस चीज का को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि दुनिया में कोरोना फैल रहा है और सरकार एहतियातन आपको बोल रही है। आपको आश्चर्य होगा कि आज सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि जब स्पीकर ने और चेयरमैन ने कहा कि भाई कोविड के गाइडलाइंस का पालन किया जाए तो हाउस में मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता थे इस बात का पालन करने से मना कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। यह बीमारी का मसला है और इसको झेल चुका है हिंदुस्तान, ये भी एक जनता के सामने देखना पड़ेगा और ये कोशिश करनी पड़ेगी कि इसका मैसेज खराब जाएगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो जनता में जो आपके समर्थक हैं वो क्या इस बात को नहीं मानेंगे? वो भीड़ में जाएंगे तो उनको अगर नुकसान होगा तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? रविंद्र, अगर बात की जाए कोविड मैनेजमेंट को लेकर के, अब यह साबित हो चुका है, पहले चीन की तारीफ कर रहा था विपक्ष और उस दौरान सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन अब जाकर यह साफ हुआ है कि कोविड मैनेजमेंट में भारत का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा था, लेकिन अब जब सरकार की ओर से एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है तो माखौल उड़ाया जा रहा है। ऐसे मुद्दों पर राजनीति कम से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए चंदन, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को तो एक स्टेटमेंट सी दिखाना चाहिए था कि सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से हमारे पास पत्र आया है, कोविड की भयावहता बढ़ते जा रही है, ये बोलना चाहिए था। आप सब यात्रा में अगर चलना चाहते हो चलो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, आप लोग मास्क पहनो, आप लोग सैनिटाइजर अपने हाथ में लेकर चलो। यात्रा जो रोकने की बात कही गई है मंडाविया द्वारा वो सबसे आखिर में बोला गया है, जबकि शुरू में उनको केवल गाइडलाइंस पालन करने के लिए, प्रोटोकॉल पालन करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जैसा रवि भी कर रहे हैं कि एक लीडर का कई फॉलोअर होते हैं और लीडर जैसा होता है फॉलोअर वही पालन करते हैं। अगर आप माखौल उड़ाएंगे तो कोविड का उनके समर्थक भी माखौल उड़ाएंगे और स्प्रेड होगा, तो फिर यही विपक्ष आरोप लगाएगा कि सरकार निकम्मी हो गई है, नकारा हो गई है। बिल्कुल, रविंद्र और रवि आप हमारे साथ बने रहे, आपसे और भी जानकारी लेंगे।